नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ा हादसा हुआ है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन की चपेट में शिव मंदिर आ गया। ऐसे में पूजा करने पहुंचे करीब 50 लोग मलबे में दब गए। 9 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अन्य श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों और वोटरों को राक्षस प्रवृत्ति का बताया। सुरजेवाला हरियाणा के कैथल पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाले और उनके समर्थक राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मैं महाभारत की धरती से उन्हें श्राप देता हूं। सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनता दरबार में कुछ महिलाओं ने अपने परिजनों के विदेश में फंसे होने की सूचना सीएम को दी, जिसको लेकर सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर में 15 अगस्त से पहले ही जिले में जश्न के कार्यक्रम होने लगे हैं। इसी को लेकर युवा संगठन के बैनर तले युवाओं ने जज्बा दौड़ निकाली, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। इस दौड़ को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने झंडा दिखाकर रवाना किया। जज्बा दौड़ का आयोजन स्वतंत्रता दिवस के आसपास किया जाता है और इसमें बड़ी संख्या में पूरे शहर के युवा भाग लेते हैं, शहर के जनपद के युवा, और एक अलग से देशभक्ति का माहौल रहता है, उत्साह, उमंग, और एक तरह से देश जो स्वतंत्रता दिवस का हो उसकी पृष्ठभूमि तैयार इस दौड़ के द्वारा की जाती है। आज ये जज्बा दौड़ जो मुजफ्फरनगर सामाजिक संस्था समर्पित युवा के द्वारा शानदार आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये 9वीं दौड़ है। अमेठी में पीएम और सांसद पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बीजेपी नेता ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि साल 1947 में भारत के विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोग इधर से उधर हुए थे और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। भारत के इतिहास के इस अमानवीय अध्याय को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विभाजन की हिंसा और घृणा ने लाखों लोगों की जान ले ली। भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री जी ने 21 तारीख सन 21 में एक घोषणा किया था कि जो देश का विभाजन हुआ, जो उसकी विभीषिका देश की जनता ने झेला है, उसे हमें याद रखना चाहिए और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी उस घटनाक्रम के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा विभीषिका देश का बंटवारे में कहीं ना कहीं देश की जनता अलर्ट रहे, चालू रहे और देश आगे बढ़ रहा है, उस सबको देखते हुए हम सबको आगे बढ़कर के काम करना चाहिए ताकि तेज गति से आगे बढ़े। फर्रुखाबाद में दुकान से घर जाने के दौरान एक युवक को किसी अज्ञात ने गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। कई साल का बेटा है आपका? मेरा 30 साल। क्या काम करता है? लेवेटी शोरूम में काम करता। कहाँ पे है? चौक पर। तो आपको कितनी देर पहले पता चला? भाभी लोगों ने बताया। शादी हो गई थी? हाँ, बच्चे छोटे छोटे। क्या बच्चे हैं? 22 साल बाद थिएटर्स में लौटे तारा सिंह ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। गदर 2 को जनता फिर से वैसा ही प्यार दे रही है जैसा 2001 में आई गदर को मिला था। दूसरे दिन के शानदार जंप और संडे के धुआंधार कलेक्शन के बाद गदर 2 ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ से कहीं ज्यादा कमाई कर डाली है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया को जमकर आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने टीम मैनेजमेंट और व्हाइट बॉल सेटअप पर ही तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी अटपटे बयान देने से बचने का सुझाव दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।